सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू RSR फाइनेंस। तो दोस्तों, एक नई लोन एप्लीकेशन लेके आ चुके हैं भाई। बहुत लोग इस एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं लेकिन अप्लाई नहीं कर पाते भाई। उस एप्लीकेशन का नाम बताने से पहले आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे RSR फाइनेंस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों हमारे ही चैनल पे आपको नई नई लोन की अपडेट और किसी तरह की हेल्प और सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ पे वो भी करते हैं। एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ भाई, क्रेडिट इंस्टेंट लोन ऑनलाइन। भाई इस एप्लीकेशन से लोन लेना, समझ लेना, परेशानी वाली बात है। जी हाँ दोस्तों, परेशानी वाली बात इसलिए क्योंकि इसका प्रोसेस ही इतना लंबा है कि इंसान मजबूरी में ही यहाँ से लोन के लिए अप्लाई करेगा, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, लेकिन यहाँ से अप्लाई करने से पहले आप लोगों को बता दूँ, अगर आपके आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर रजिस्टर है तो ही इस एप्लीकेशन को डाउनलोडिंग करना, अदरवाइज डाउनलोडिंग मत करना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा नाम लिखा आ गया, गुड मॉर्निंग रंजीत, ऊपर की साइड अगर आप देख पा रहे हो भाई। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 दिसंबर 30,000 रुपये मेरी सैलरी है, मैंने यहाँ सैलरी मेंशन की है। अब यहाँ पे वर्क इन्फॉर्मेशन, वर्क ईमेल आईडी कंप्लीट है। अब यहाँ नेट बैंकिंग से जो है मुझे वेरीफाई करना होगा, मतलब ये भी चीज़ देख लीजिए, अगर आपके पास आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर रजिस्टर है तो ही यहाँ से लोन ले पाओगे, और नेट बैंकिंग है तो ही ले पाओगे। यहाँ पे सैलरी स्टेटस पेंडिंग है, यूज़र अप्रूवल भी पेंडिंग है, वीडियो वेरिफिकेशन भी होगी, उसके बाद पैन कार्ड वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ई साइन वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद NSE फॉर्म पे साइन होके होगा, फिर डिस्पर्समेंट होगा। मतलब कितना प्रोसेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्रोसेस है, ठीक है। तो ये प्रोसेस हम कंप्लीट करते हैं, प्रोसीड, ठीक है। यहाँ प्रोसीड करेंगे तो यहाँ हमें इंटरनेट बैंकिंग से जो है लॉगिन करना होगा, और प्लीज़ इंपोर्ट योर, प्लीज़ मैक द नेम ऑन योर आधार बैंक अकाउंट मैचिस। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि आपका जो आधार कार्ड पे नाम है वो बैंक में भी मैच होना चाहिए। तो ठीक है, हम एक बारी जो है करते हैं नेट बैंकिंग से लॉगिन और देखते हैं क्या प्रोसेस आता है। अब यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, मैंने लॉगिन तो कर लिया है, अब देखते हैं कि आगे क्या प्रोसेस आएगा। अभी नेट बैंकिंग से हमें जो है यहाँ पर एक कैप्चर डालना है, तो मैं कैप्चर डाल देता हूँ C9BPEM, ठीक है। सबमिट करेंगे यहाँ पे और देखते हैं कितना टाइम लगता है यहाँ प्रोसेस होने में, मतलब अकाउंट वेरीफाई करना है यहाँ पर नेट बैंकिंग से। सो दोस्तों, अब बारी आ जाती है अपनी बैंक स्टेटमेंट की। मतलब यहाँ पर 3 मंथ से लेकर 6 मंथ तक हमें जो है वह एक ही PDF फाइल में बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना है। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ दिखाया है, जैसे कि यहाँ लास्ट का मेरा आधार नंबर है, नाम है, लोन नंबर है, उसके बाद बैंक सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको डालना है फाइल चॉइस करके, यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे फाइल आ जाएगी, तो यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट डालना होगा। तो ये चीज़ें मैं कंप्लीट करता हूँ, प्रोसेस लंबा होगा लेकिन देखते हैं कि भैया आप लोग ले पाओगे कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए, प्लस नेट बैंकिंग भी होना चाहिए और बहुत सारे प्रोसेस हैं। तो ये भी चीज़ हम देखते हैं कि भैया कितना टाइम लगता है इसमें और क्या क्या प्रोसेस हमें करने होंगे। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। बारी बारी से पूरा स्टेप दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। सो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने वर्क इन्फॉर्मेशन भी कंप्लीट कर लिया, नेट बैंकिंग भी कंप्लीट कर लिया। आप सैलरी स्टेटस देख सकते हो, इन प्रोग्रेस, मतलब ये अभी अंडर रिव्यू चली गई है मेरी, क्योंकि मैंने यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है सैलरी स्लिप वेरिफिकेशन स्टेटस, मतलब यही है, बैंक स्टेटमेंट आपको अपलोड करना होगा सैलरी स्लिप में भी। और यहाँ पे इन्होंने नंबर दे रखा है, मंथली सैलरी, प्लीज़ कॉल अरेंजमेंट में अगर कोई दिक्कत होती है, तो ये दोनों नंबर हैं यहाँ पर, यहाँ पर आप उनको कॉल कर सकते हो। फिलहाल के लिए जो है ये अंडर रिव्यू है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए, दो ही स्टेप हैं, सैलरी स्टेटस, उसके बाद यूज़र अप्रूवल। मतलब अब यहाँ पर ये होने के बाद जो है यहाँ डायरेक्टली मुझे अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद वीडियो वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद पैन वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ई साइन वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद NSE अचीव है फॉर्म पर साइन होकर वेरिफिकेशन होगा, लास्ट में डिस्पर्समेंट होगा। तो ये बारी बारी से सारा प्रोसेस करूँगा मैं, लेकिन अभी ये इसमें कितना टाइम लगेगा ये तो मैं अभी कह नहीं सकता, लेकिन मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। जैसे जैसे स्टेप कंप्लीट हो जाएगा मैं वीडियो देता रहूंगा आप लोगों को, आप लोग देखते रहना भाई। यहाँ पर जो है 30,000 रुपये तक का मैंने सैलरी बताई है, लेकिन अभी देखते हैं कि अब यहाँ पर जो है सैलरी स्टेटस के बाद यूज़र अप्रूवल मिलती है या फिर नहीं मिलती। तो वेट करेंगे, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ज़रूर कर दीजिए।